अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निकर्स हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं RCA की स्मार्ट LED टीवी जो कि आपको ट्रू 4K और क्वांटम बैकलिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसकी हम आपके लिए करेंगे डिटेल रिव्यू और देखेंगे कि ये स्मार्ट टीवी कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये जो आपको RCA की ये जो स्मार्ट LED टीवी है ये आपको ट्रू 4K टेक्नोलॉजी के साथ आता है। क्वांटम बैकलिट टेक्नोलॉजी भी इसके साथ आती है। इसके अलावा ये जो आपको स्मार्ट टीवी है इसमें जो आपको प्रोसेसर दिया गया है ये आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर है जो कि A73 CPU क्वाड कोर 800 MHz के ऊपर काम करता है। 1 GB की रैम दी हुई है और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें शेयरिंग की तो इसमें आपको इजी स्क्रीन शेयरिंग के टेक्निक के साथ ये आपको स्मार्ट LED टीवी आता है। इसके अलावा इसमें आपको डिजिटल साउंड मिलेगा और ये काफ़ी एक स्लिक और इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको रिमोट आता है। इस रिमोट में आपको यहाँ पे आपको डेडिकेटेड आपको बटन दिए हुए जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूट्यूब, फेसबुक, मेल और स्काइप ये 4 अलग तरह के डेडिकेटेड आपको इसमें बटन्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका रिमोट जो कि काफ़ी एक सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे आपको दिए गए हैं जैसे कि स्क्रीन को फ्रीज करने के लिए ये आपको साउंड मोड है, ये पिक्चर मोड है, ये म्यूट है। यहाँ पे आपको नंबर्स हैं जैसे कि अगर आपको सेटअप बॉक्स के साथ देखना है तो यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन है, ये आप देख सकते हैं ओके। इसके अलावा यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको होम पे आने के लिए अगर आप कहीं किसी भी स्क्रीन के ऊपर हैं या अगर आप YouTube पे हैं, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ इस ये जो आपको होम स्क्रीन है यहाँ पे आना है तो ये आप होम बटन दबा के आ सकते हो। ये इंटरनेट के लिए और यहाँ पे देखिए ये है आपको माउस के लिए ओके है। यहाँ पे आप रैम जो है इसकी ये आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे जैसे मैंने किया तो ये देखिए TV असिस्टेंट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे देखिए मैं ऑप्टिमाइज इसको कर रहा हूँ तो ये देखिए रैम आपको जो है ये ऑप्टिमाइज यहाँ पे हो रहा है। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ रिमोट से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा तो यहाँ से मैं बैक आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके नीचे यहाँ पे अलग आपको और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जैसे कि यहाँ प्ले, पॉज, फॉरवर्ड के लिए, USB के लिए है, यहाँ पे जूम, प्लस, माइनस और रिफ्रेश, ये सारी चीज़ दी गई। यहाँ पे आपको RCA की ब्रांडिंग भी दी हुई है। अगर हम बात करें इसमें आपको बैटरी की तो इसमें आप देख सकते हो 2 बैटरी आपको लगेगा। तो ये तो बात हो गई रिमोट की। आइए हम देखते हैं ये जो स्मार्ट टीवी है इसमें आपको क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे HDMI है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें HDMI के कितने स्लॉट्स हैं। इसके बगल में आप देखिए ये TV है और यहाँ पे मोड के अंदर क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 3 आपको HDMI के स्लॉट्स हैं। आपको HDMI 1, HDMI 2 और HDMI 3 ये तीनों आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। ये आपको AV1, AV2 है, यहाँ पे आपको 8TV, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका मतलब इसके अंदर आपको 3 HDMI स्लॉट्स दिए हुए हैं। आइए हम यहाँ से हम बैक होते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हॉट ऐप है, फेसबुक भी आप इसके थ्रू देख सकते हो, स्काइप भी देख सकते हो, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, यहाँ पे आप देखिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स है, यहाँ पे मैंने आपको हॉटस्टार डाउनलोड किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए अदर्स के अंदर सेटिंग है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा मल्टीमीडिया, अगर आपके पास कोई भी पेन ड्राइव है उसको आप इसमें जो पीछे USB पोर्ट है वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये है आपको माई ऐप के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो जो ऐप मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ देखिए यहाँ पे आपको हॉटस्टार मैंने डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी तरीके से जो जो ऐप आप डाउनलोड करोगे वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ई शेयर सर्वर है, फाइल ब्राउजर है, ये अलग अलग है, मीरा कास्ट भी यहाँ पे दिया हुआ। आइए हम बैक चलते हैं यहाँ से और हम जरा सेटिंग के अंदर चलते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये जो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं जहाँ पे आपको टाइम आ रहा है उसके बगल में यहाँ पे आता है आपको नेटवर्क। तो हम चेक करते हैं कि नेटवर्क आप कैसे लोगे। तो देखिए हम नेटवर्क पर आ गए हैं, यहाँ पर नेटवर्क पर आके हम नेटवर्क वायर नेटवर्क है और दूसरा जो है आपको वायरलेस। वायरलेस पर मैं आया और देखिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए वायरलेस नेटवर्क यहाँ पर आ गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निटर है। आइए हम बाहर निकलते हैं और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई आ गया। तो आप काफ़ी आसानी से इसमें आप इंटरनेट लेके आ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आइए इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं और दिखाना चाहूँगा
कि यहाँ पे इसके पिक्चर की क्वालिटी कैसी है। तो इसके लिए मैं अपनी जो मेरी जो यूट्यूब चैनल टेक्न्यूटर है उसको मैं ओपन करता हूँ और फिर हम उस पे क्वालिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आ गया हूँ और अब हम इसको प्ले करेंगे और यहाँ पे आप साउंड और वीडियो की क्वालिटी आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हूं सौरभ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको इसके पिक्चर की क्वालिटी और यहाँ पे मैंने आपको इसके साउंड को दिखाया जो कि काफ़ी सही तरीके से आ रही है और इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी सही है। इसके अलावा मैं इसके स्क्रीन के बारे में मैं बात करूँ तो इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले जो है ये आपको स्क्रीन मिररिंग और एंड्रॉयड 7.0 के ऊपर ये काम करता है। इसके अलावा इसमें जो आपको 4K जो डिस्प्ले के साथ आता है और ये जो है आपको इसमें जो पैनल लगा है ये आपको A+ ग्रेड पैनल लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें साउंड की तो 24 वॉट स्पीकर सराउंड साउंड इसमें आता है और इसमें जो ऐप स्टोर है उसमें आप वेरियस ऐप अवेलेबल है जिसको कि आप अपने नीड के अनुसार आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके इस टीवी के ठीक पीछे इसमें आपको 2 USB पोर्ट दिए गए हैं जो कि अभी मैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 4K अल्ट्रा HD जो है इसमें जो अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करें रिजोल्यूशन की वो आपको 60Hz की है और विंग एंगल 178° की दी हुई है। अगर हम यहाँ पर हम बात करें सर्विस सेंटर्स की तो ये जो आपको RCA स्मार्ट LED TV है इसके जो सर्विस सेंटर है 800+ सर्विस सेंटर्स हैं जो कि 800+ सिटीज में हैं और अगर हम पिन कोड्स की बात करें तो लगभग 19,500 पिन कोड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं और साथ में जैसे मैंने स्टैंड पे यहाँ आप देख सकते हो स्टैंड पे मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको और क्या क्या है तो सबसे पहले तो इसकी जो यूज़र इंटरफेस है ये मुझे काफ़ी सही लगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अगर इसके ठीक नीचे सेटअप बॉक्स के थ्रू टीवी भी यहाँ पे मैं यहीं से चलाता हूँ और यहाँ पे आपको अगर हम चेक करें यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको ये आपको हॉट ऐप है। इस ऐप स्टोर के अंदर आप जाके आपको जो भी आपको ऐप को डाउनलोड करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है और ये देखिए यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर यहाँ नेटफ्लिक्स यहीं से मैंने हॉटस्टार डाउनलोड किया था, हंगामा प्ले है, स्पॉटिफाई है, हुक है, ये सारी हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको ज़रूरत है अपने ज़रूरत के हिसाब से। आइए हम बैक होते हैं यहाँ से और फिर हम अपने स्क्रीन पे आ गए, ये होम स्क्रीन है। आइए हम चेक करते हैं इसके बैक साइड में कि यहाँ पे बैक साइड में क्या क्या है। तो ये देखिए हम इसके बैक साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे आप 2 USB पोर्ट देख सकते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको ईयरफोन के लिए भी दिया हुआ है, HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप सारी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इसके नीचे पोर्ट्स हैं वो मैं आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसके नीचे साइड में भी यहाँ पे आपको अलग अलग पोर्ट्स हैं, जैसे कि HDMI 1 है, HDMI 2 है। वहाँ पे मैंने टीवी का सेटअप किया हुआ जो कि मेरे सेटअप बॉक्स से आई है। तो ये आपको नीचे के साइड पोर्ट्स हैं और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर के साइड ये सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं जो कि काफ़ी सही है और आराम से आप इसमें पेन ड्राइव या फिर HDMI को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। आइए हम इसके टीवी को इस साइड से चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये मेटालिक फिनिश के साथ आता है और ये आप देखिए काफी ये पतला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ये प्रीमियम लुक दे रहा है और यहाँ पे सामने देखिए यहाँ पे RCA की ब्रांडिंग दी हुई है और इसके ठीक नीचे RCA LED TV है, 4K ट्रू है, ऐप स्टोर है, HDMI यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं USB है, यहाँ 178 वाइड एंगल जो कि मैंने आपको बताया था, ब्राउजर है, हॉटस्पॉट है, स्क्रीन मिरर है, ये सारी यहाँ पे आपको मेंशन है आप देख सकते हैं। और मैं एकदम आपको क्लोज से मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको डेट टाइम आ रहा है, दिन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कितना टाइम हुआ है, यहाँ पे डेट था। ये देखिए ये है आपको वाईफाई का सिग्नल जो कि मैंने आपको अभी आपके सामने सेट करके दिखाया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आपको यहाँ पे ये पतला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल ये जो आपको RCA के स्मार्ट LED TV है ये हमारे परफॉर्मेंस में हमें काफ़ी सही लगा, ये काफ़ी सही तरीके से यूज होता है, ऑपरेट होता है। इस पर हमने आपको स्ट्रीम करके काफ़ी हमने सीरीज भी देखी है, जैसे नेटफ्लिक्स देखा है, यूट्यूब देखा है, ये सब देखा है, टीवी भी देखा है। तो परफॉर्मेंस वाइज
इसमें हमें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। ये जो आपको स्मार्ट टीवी इसकी जो प्राइस और इसको आप कहाँ से परचेज करोगे ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा चैनल जो कि टेक्न्यूटर है इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सकें। अगला वीडियो लेकर मैं जल्द आऊँगा, तब तक सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।